कलयुगी पिता पर पुत्री ने लगाया छेड़खानी और बलात्कार का आरोप। कलयुगी पिता पर उसकी पुत्री ने छेड़छाड़ व बलात्कार की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया है। आरोपी पिता कलेक्ट्रेट में जेए बाबू के पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित युवती व उसकी मां ने आज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने पुत्री की तहरीर पर पिता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र बांदा की है, जहाँ रहने वाली युवती ने बताया कि नानी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मां नानी के यहां गई हुई थी। रात में युवती का पिता नशे की हालत में आया और युवती के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। युवती ने अपने छोटे भाई के साथ कमरे में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अगले दिन जब उसकी मां घर पहुंची तो युवती ने पूरी आपबीती मां को बताई। साथ ही ये आरोप है कि यह कलयुगी पिता पहले भी कई बार इस तरह के प्रयास कर चुका। आरोपी पिता बांदा कलेक्ट्रेट में बाबू के पद पर तैनात है। आज पीड़ित बेटी व मां ने जिला अधिकारी से गुहार लगाई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामला आज आप किस लिए आई हैं? मेरे पापा ने मेरे साथ बलात्कार और छेड़खानी करने की कोशिश की है, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ गया है। क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, FIR भी दर्ज की है, वो उन लोगों ने गलत दर्ज कर ली है और मेरा मेडिकल भी उन लोगों ने नहीं करवाया है, जेंस डॉक्टर से करवाया। इस वजह से मुझको यहाँ पे पुलिस अधीक्षक IPS ऑफिसर के बाद और DM ऑफिस के बाद आना पड़ गया। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिता जी? किस विभाग में हैं? मेरे पापा जय बाबू है, कलेक्ट्रेट में, मिस्टर संतोष कुमार के। और पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो किस तरह पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने एसपी साहब से मिलने नहीं दिया है और अपने मन से उनको कॉल करके बोल दिया है कि आप वहाँ पे चले जाए और आपका मेडिकल हो जाएगा, लेकिन मिलने नहीं दिया गया है। कोतवाली गए थे आप लोग? कोतवाली हम गए थे लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है और दीवान साहब जो वहाँ के हैं उनने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो ऐसी पोस्ट में उनके अंडर में पूरी पुलिस काम करके इस तरह सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या लगता है संरक्षण है पुलिस का? आज किसके पास आए हैं? आज हम DM ऑफिस के पास आए हैं और IPS ऑफिस के पास आए, लेकिन मिलने नहीं दिया। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको सस्पेंस लेजर दिया जाए और उनको जेल हो और मुझको इंसाफ मिले। क्या है आप लोगों में, क्या है पूरा मामला? मैं अपनी बेटी को लेकर के आई हूँ। मेरे जो पति हैं, मेरे पति ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ जबरदस्ती और बलात्कार करने की कोशिश की है। मैं और उसका जो मेडिकल करवाया गया है वो गलत तरीके से करवाया गया है, एक जेंट्स डॉक्टर से करवाया गया है। पुलिस अपनी गलती मान नहीं रही है और कह रही है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। जब मैंने आकर के कहा कि मुझे SP ऑफिस में SP साहब से मिलना है तो हमको मिलने भी नहीं दिया गया और कहा गया कि चले जाइए, वहाँ आपका मेडिकल हो जाएगा। कितनी तारीख का मामला है ये? 10 जुलाई को मैंने कंप्लेन की थी और 11 जुलाई को मैं मेडिकल करवाने गई थी जो एक जेंट्स डॉक्टर द्वारा करवाया गया था। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई उनके? हाँ, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। क्या कारण है वो? क्योंकि मेरे पति जय बाबू हैं, संतोष कुमार गिरी, क्योंकि वो DM साहब के ऑफिस में हैं और स्वयं DM साहब के उनके मालिक हैं, इस वजह से उनकी कार्रवाई नहीं, मेरी कार्रवाई, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आप कोतवाली गई थी? मैं कोतवाली गई थी, कोतवाल और तथा वहाँ के जो दीवान है, वहाँ के जो और पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सब मेरे पति के साथ मिले हुए हैं। क्या लगता है संरक्षण दे रही है पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण दे रही है। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और मेरे पति सस्पेंड हो और उनको तुरंत सजा मिले। अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार पूरा डिपार्टमेंट होगा। आज आप कहाँ आई हैं? मैं आज पहले SP ऑफिस आई हूँ, मैंने SP ऑफिस में बताया है, अब मैं जा रही हूँ DM ऑफिस, मैं अपनी बेटी के द्वारा अप्लीकेशन दिलवाने जा रही हूँ। कलेक्ट्रेट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जय बाबू हैं, उनका कुछ पारिवारिक उनकी समस्या है। उनकी पत्नी ने ये एक अप्लीकेशन 10 तारीख को थाने पर दिया कि ये उनके एब्सेंस में उन्होंने जो है उनकी करीब 17-18 साल की जो पुत्री है उसके साथ उन्होंने छेड़खानी का प्रयास किया और उस एप्लीकेशन के आधार पर इसमें 354 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य संकलित करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।